वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंस्टाग्राम का पासवर्ड बिना और पासवर्ड के कैसे चेंज करना है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। उसके लिए लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। यहां से आगे अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे हम लोग इंस्टाग्राम पे चल लेते हैं। वॉल्यूम कम कर लेता हूं क्योंकि चेंज करना है पासवर्ड। अब पासवर्ड चेंज करने के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल सा तरीका है। ओके, तो मुझे मेरे इस अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है। ये मेरे एक डेमो अकाउंट है, सिंपल एकदम, मतलब जहाँ पे मैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मुझे इस अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है। मुझे इसका पासवर्ड भी नहीं पता है, और मुझे सच में इसका पासवर्ड नहीं पता है। अब मुझे इसका पासवर्ड चेंज करना है। आपका क्या रीज़न है? कहीं लॉगिन करना है या फिर आपका पासवर्ड गुम गया है क्या? मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। बाकी इसका पासवर्ड चेंज करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब 2024 में राइट टॉप कॉर्नर पर जो 3 लाइन दिख रही है ना, इस पर टैप करो, मेरे साथ साथ फॉलो कर लेना आप ये सारी चीज़ें। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर चले जाओ। अब पहले क्या होता था, यहाँ पे अकाउंट एक कंट्रोल का एक ऑप्शन मिलता था, लेकिन वो हट गया है। अब अकाउंट सेंटर का एक ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख गया है, मतलब सबको दिख जाएगा। अगर आपने अपना इंस्टाग्राम अपडेट किया होगा तो यहाँ पे आपको अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिख जाएगा। हमें अकाउंट सेंटर पे टैप करना है। अब यहाँ पे जितने भी आपके अकाउंट होंगे वो सारे दिख जाएंगे प्रोफाइल्स में। ओके, तो जिसका भी चेंज करना है वो स्विच कर लेना है यहाँ पे, जैसे मैंने ऑलरेडी स्विच किया हुआ था। मुझे जिसका भी करना है, जैसे मुझे इसका करना है अकाउंट, ये रहा राज चौधरी अपकमिंग वर्ल्ड, ये रहा अपकमिंग वर्ल्ड डेमो का, तो मैंने इसलिए ऑलरेडी से सबसे टॉपिक किया हुआ था, चेंज किया हुआ है। नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है पासवर्ड सिक्योरिटी का। ओके, इस पर टैप करो। चेंज पासवर्ड पर हम लोग टैप करेंगे। अब किसका करना है? इसका करना है अपकमिंग वर्ल्ड डेमो का। मेन सीन है करंट पासवर्ड। करंट पासवर्ड तो हमें पता ही नहीं है, विच इज़ ओल्ड पासवर्ड, जो ओल्ड पासवर्ड होता है, और मैंने अभी कुछ टाइम पहले चेंज किया था 10 तारीख को, इसलिए शायद मैं भूल गया हूँ। अब चेंज करने के लिए वो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉरगेट योर पासवर्ड पे टैप कर देंगे। ओके, इसका मैंने रिसेंटली चेंज किया है तो मैं इसका नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका कर लेता हूँ अपकमिंग वर्ल्ड डेमो का, है ना। डायरेक्ट स्विच कर लिया मैंने एक सेकंड में। फॉरगेट योर पासवर्ड पे टैप करेंगे। जैसे हम इस पे टैप करते हैं एक ईमेल चला जाएगा यहाँ पे, ये देख लो एक ईमेल का पॉपअप आ गया है। ये ईमेल मेरे इसमें है, मेरे फ़ोन में, एंड आपका भी ईमेल आपके फ़ोन में होना ज़रूरी है। ओके, तो क्या होगा, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, बट उससे पहले आपको पर्सनल डिटेल पे जाके अपनी ईमेल ज़रूर अपडेट कर लेना है। जैसे मेरी यहाँ पे ईमेल अपडेटेड है, आई होप आपने भी अपडेट कर रखी होगी, इसलिए मैंने बैक करके आपको पर्सनल डिटेल दिखाई है। मुझे ऑलरेडी ईमेल आ चुका है, मैं ईमेल जाके चेक कर लेता हूँ। ओके, ये रहा ईमेल, यहाँ पे चेक करेंगे। इंस्टाग्राम, ये रहा रीसेट पासवर्ड का मुझे ऑप्शन मिल गया, इस पे टैप करेंगे, एंड यहाँ से रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख गया, सीधा इस पे टैप करेंगे। एक चुटकी में कहेगा वो कर लो चेंज, न्यू पासवर्ड डालना है, एंड यहाँ से पासवर्ड अगेन। ओके, मतलब नया पासवर्ड डाल देना है, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। एक सिंपल सा तरीका। अगर यहाँ से भी नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, वापस से यहीं पर जाओ पासवर्ड एंड ये पे, यहाँ पे चले जाओ पासवर्ड सिक्योरिटी पे, यहाँ से सेव कर लेना अपनी इन्फो जिसकी भी करनी है, अपकमिंग वर्ल्ड डेमो की कर लेते हैं। ओके, मुझे इसी की करनी है, इसको टर्न ऑन कर देना। इसे टर्न ऑन करने का ये फ़ायदा है कि आपका जो भी पासवर्ड होगा फिलहाल, आपका जो आपके अकाउंट का डला हुआ होगा इस फ़ोन में, वो आपके फ़ोन में ही सेव हो जाएगा, तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर चेंज करना है, सेटिंग प्राइवेसी पर जाओ, वापस से अकाउंट सेंटर पर जाओ। ओके, यहाँ पर जाओ, क्या करना है, चेंज पासवर्ड पर टैप करना है, इसका ही करना है, एंड फॉरगेट योर पासवर्ड पे टैप करेंगे। यहाँ पे अगर आपने फ़ोन नंबर दे रखा होगा तो लिंक दोनों पे जाएगा, फ़ोन नंबर पे भी जाएगा एंड आपके ईमेल पे भी जाएगा, राइट। मैंने कंफर्मेशन 2 बार बता दिया आपको कैसे चेंज करना है, बस ये सिंपल सा तरीका है। मैं यहाँ पे भी चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चेंज, वैसे एक सेकेंड लगेगा, इस पर टैप करूँगा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ये लोग लिंक दोबारा भी आ गया होगा मुझे जहाँ तक है, ये रहा दोबारा आ गया है। ये ऐसे रीसेट पासवर्ड पर टैप करूँगा, अब मैं यहाँ पर अपना नया पासवर्ड डाल सकता हूँ। बस सिंपल है, आप भी इस तरह चेंज कर सकते हो, काफी सिंपल है। आई होप आपका पासवर्ड चेंज हो गया है, इस वीडियो से पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर पासवर्ड चेंज हो गया है या फिर कोई दिक्कत आ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है और ज्यादा और अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।